मंडी में राष्ट्र स्तरीय हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता जोर शोर से पटल मैदान में जारी है। प्रतियोगिता का फाइनल 21 जून को होगा। इसमें रेलवे, आर्मी, लोकल क्लब की टीमों सहित 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में रोज 2 मैच खेले जा रहे हैं। मंडी के पटल मैदान में हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 12 टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के एम तिवारी ने बताया कि यह टूर्नामेंट हिमाचल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और यह टूर्नामेंट 44 सालों से हर साल हिमाचल में आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी पटल मैदान में खेल चुके हैं। 44वां टूर्नामेंट इन रो अब खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 11 टीमों ने भाग लेने जा रही हैं, जिसमें 2 टीमें मुंबई की हैं, 1 कलकत्ता की है, अमृतसर, लुधियाना, मंडी की और गोरखा ब्रिगेड, और ऐसे 11 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। और इस टूर्नामेंट का उद्देश्य सिर्फ यही है हमारा कि हम लोग फुटबॉल को प्रोत्साहित कर सकें, इसकी प्रमोशन कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। मैच का बड़ा कॉन्टेस्टिंग मैच होने की संभावना है और इस टूर्नामेंट में रोज़ 2 मैचेस होंगे और फाइनल हमारा 21 को होगा, जिसमें जिसका समापन समारोह जो है वो हमारे मंत्री कौल सिंह जी के थ्रू होगा। प्रतियोगिता का अंतिम मैच 21 जून के दिन खेला जाएगा और स्वास्थ्य, राजस्व और विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर इस अंतिम मैच में मुख्य अतिथि होंगे। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।